कचरा आज संपूर्ण विश्व के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर सामने आ रहा है। ये कचरा गीला भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी है, सॉलिड वेस्ट भी है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्या कचरे को प्रभावी रूप से निपटाकर, क्या प्रभावी रूप से उसको प्रबंधित करके कचरे से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कचरे ने आज के दिन विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती उपस्थित कर दी है। इसी कचरे के कारण निकलने वाली विभिन्न गैसों के कारण पर्यावरण भयंकर तरीके से प्रदूषित हो रहा है। वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी में भी इस कचरे का बड़ा योगदान है। इसी कचरे के अप्रभावी निपटान के कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और उसके कारण सरकारों का और आम आदमी का, हर नागरिक का, विश्व के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता जा रहा है। इसलिए कचरे की प्रभावी रूप से प्रबंधन की रणनीति बहुत जरूरी है। अगर हम कचरे को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर देते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और विश्व के समक्ष वैश्विक तापन की जो चुनौती है उसमें हम स्वयं भी कुछ अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। कचरे की समस्या से निपटने का सबसे बड़ा तरीका है कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम वेस्ट मैनेजमेंट पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, अगर इसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि कचरे को निपटाने की रणनीति वेस्ट मैनेजमेंट है, कचरे को कम करने की प्रभावी रणनीति कचरा प्रबंधन है और कचरा पैदा होने से रोकना ही कचरा प्रबंधन। वर्तमान समय में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। उन विधियों में है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, यानी एक बार आपने कोई वस्तु या सामान उपयोग में ले लिया, उसको पुनः चाहे घर पर, चाहे रिसाइकलिंग जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं या जो कोई भी रिसाइकल करता है चीजों को, वहां अगर हम उस कचरे को पहुंचा देते हैं, वेस्ट को पहुंचा देते हैं, तो वो रिसाइकल होकर दोबारा नए प्रोडक्ट के रूप में डेवलप हो जाता है। बारों को रिसाइकल करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारा कागज भी बनता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये पुनर्चक्रण का एक सामान्य उदाहरण है। वेस्ट मैनेजमेंट का दूसरा जो तरीका है वो कंपोस्टिंग, यानी घर पे जो गीला कचरा है या ऑर्गेनिक कचरा है उससे हम कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं और उसका फिर खेतों में उपयोग कर सकते हैं। ये भी वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है। वेस्ट मैनेजमेंट का तीसरा तरीका है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का अर्थ है कि कचरे को उच्च तापमान पर व्यवस्थित तरीके से, नियंत्रित तरीके से जलाना ताकि वो पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करे, इसे कहते हैं इंसिनरेशन। तीसरा तरीका जो सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है वो है लैंडफिल्स। हम देखते हैं जब आप किसी शहर से बाहर निकलते हैं सड़क के किनारे तो आपको बहुत जगह कचरे के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं। वो आज ढेर है, कुछ समय पहले वो खड्डे में डाला गया कचरा था, लेकिन कचरा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है, हम रोज इतना कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी हम खुद कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम उसको इकट्ठा करें तो हमें लगे कि यार हम तो इस पर्यावरण को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें कचरे को डालना और फिर ऊपर से वापस साफ मिट्टी से उसको ढक देना, इसे कहते हैं लैंडफिल्स। ये कचरा प्रबंधन का सामान्य और परंपरागत तरीका है। वेस्ट मैनेजमेंट का अगला तरीका है बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन का मतलब है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु, चाहे वो फंजाई हो, एल्गी हो या बाकी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनके उपयोग से कचरे को डिस्पोज ऑफ करना। दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट का अगला तरीका है वेस्ट टू एनर्जी। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा कचरा जो खेतों में पैदा होता है, बहुत सारा और भी कचरा है, उसको लोग इकट्ठा करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, विद्युत ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का। ये भी एक अच्छा तरीका है कचरे प्रबंधन का। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के अगर सबसे प्रभावी तरीके की बात की जाए तो हम कह सकते हैं वेस्ट मिनिमाइजेशन। हम सब लोग
वेस्ट मिनिमाइजेशन में अपनी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हम पानी की बोतल खरीदते हैं सड़क के किनारे चलते हुए, जो वो खाली हो जाती है हम उसको फेंक देते हैं। अगर उसी बोतल में नेक्स्ट स्टॉपेज पे जहां हमने पानी पिया, चाय पिया, खाना खाया, अगर वहां पानी की सुविधा उपलब्ध है, शुद्ध स्वच्छ पीने योग्य पानी है, तो हम उसी बोतल को दोबारा भर सकते हैं और कचरा प्रबंधन में अपना रोल अदा कर सकते हैं। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो सबसे प्रभावी रणनीति है उसको कहा जाता है 5 R। ये क्या है 5 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 5 R क्या है, लेकिन फिर भी अगर आप सुनेंगे रिवीजन होगा, और रिवीजन हमेशा फायदेमंद साबित होता है। पहला है रिफ्यूज। हमें रिफ्यूज करना चाहिए जो चीज हमारे जरूरत की नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, जो अनिवार्य नहीं है, उस चीज को हमें रिफ्यूज करना होगा। जैसे आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं, जो ही दुकानदार आपको प्लास्टिक के बैग में सामान भर के देता है तो आप उसको रिफ्यूज कीजिए, और अपने साथ जो आप बैग लेके जाते हैं कपड़े का थैला जो लेके जाते हैं उसमें अपना सामान रखवाइए और वापस लेके आ जाइए। यह है रिफ्यूज। दूसरा आर है रिड्यूस, कम करना। हम जरूरत के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा सा ध्यान देकर काम करें तो हम अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें लगातार कागजों पर प्रिंटिंग होती है, तो आप डबल साइडेड प्रिंटिंग को अनिवार्य कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। या आपसे घर में कोई कहता है कि मुझे इस चीज का प्रिंट आउट चाहिए, तो जब आप दुकान पर जाते हैं तो उसको ये सलाह दे सकते हैं कि मुझे डबल साइडेड प्रिंट चाहिए। तीसरा है रीयूज। हम बहुत सारी चीजों को रीयूज कर सकते हैं, जैसे वाटर बोतल। आप अपनी जो पहली वाटर बोतल खरीदते हैं उसको सुरक्षित रखिए, रास्ते में उसका दोबारा यूज कीजिए। चौथा है रीपर्पज। रीपर्पज का मतलब है कि जो आपने एक बार सामान काम में ले लिया उसका दूसरा उपयोग करना, इसको अपसाइक्लिंग भी कहा जाता है। जैसे आपके घर पे आपके बच्चे ने जिद की कि उसको कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है जो कैन में आता है, उसने कैन में कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कैन पे बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, उसका कलर भी अट्रैक्टिव है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। अगर हम बच्चे को थोड़ा सा भी मोटिवेट करें तो वो बच्चा उस कैन का पेन स्टैंड के रूप में यूज कर सकता है, इसे कहते हैं रीपर्पज। और पांचवा है रिसाइकल, आप सब परिचित हैं। रिसाइकलिंग का अर्थ जो हम अखबार वाले उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय विश्व के समक्ष। अगर वैश्विक नेतृत्व ने, विभिन्न देशों के नेताओं ने, हर नागरिक ने कचरा प्रबंधन के वास्तविक महत्व को नहीं समझा, तो ये वेस्ट फ्यूचर में हमारे सामने असंख्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए सावधान रहिए और वेस्ट मैनेजमेंट में अपना प्रत्यक्ष योगदान दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।